चल चल जल्दी कर, ये ब्रेक लगा ले। अरे ढंग से लगा, मेरी पत्नी को ना शक नहीं होना चाहिए कि तू एक लड़का है, उसे यही लगना चाहिए कि तू एक लड़की है। अबे आ गई आ गई आ गई। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ तुम्हें नहीं पता? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मेरी छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो? ये लड़की कौन है? अरे ये तो कौन, ये तो, अरे ये दीदी एड्रेस पूछ रही थी मुझसे, मैं तो इन्हें बस एड्रेस बता रहा था। ये दीदी हो गई अब मेरे आते ही, और ये एड्रेस बताने का कौन सा तरीका है? अरे मैं का एड्रेस ही तो बता रहा था, तुम पता नहीं फालतू शक करती रहती हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे थे। बेशरम इंसान, थोड़ी तो शर्म कर लेते। घर के बाहर सब लोग खड़े हो और तुम ये गंदी हरकत कर रहे हो। मुझे ना पहले तुम्हारे ऊपर शक था कि तुम्हारा चक्कर ना कहीं और चल रहा है। बस बस, फालतू की बातें करने की ना जरूरत नहीं है। मेरा चक्कर किसी के साथ नहीं चल रहा है, और तुम्हारी आंखें ना, तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी हैं। उनमें अंदर जाके ना गुलाब जल डाल के आओ। गुलाब जल तो अब मैं तुम्हारे अंदर डालूंगी, और आंखें मेरी खराब हो गई है। अरे शर्म कर लो, शर्म, बेशरम इंसान। अरे यार पता नहीं क्या फालतू की बातें कर रही है। अगर मैंने इन दीदी को एड्रेस बता दिया तो इतनी प्रॉब्लम हो गई तुझे? एड्रेस बताया है? मैं भी ऐसे एड्रेस बताती हूँ फिर लोगों को? अरे तुम कितने घिनौने इंसान हो। एक तो यहाँ पर घर के बाहर खड़े होकर इस पराई लड़की के संग में इतनी गंदी हरकत कर रहे हो, और उसके बाद में बोल रहे हो कि मेरी आंखें खराब हो गई है। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखना, मैं ना तुम्हारी सबको बताऊंगी, जाकर तुम्हारे घर वालों को भी बताऊंगी। अरे क्या बताएगी? यही जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा तूने? मेरे को शर्म आ रही है अपने मुँह से बोलने में। क्या शर्म आ रही है? मैंने जब कुछ किया ही नहीं है, उन्हें सिर्फ एड्रेस बता रहा था, उसमें तूने इतना बड़ा इशू बना दिया। तुमने कुछ नहीं किया ना लाला, तो तुम जैसे घटिया इंसान पर। मैं यहाँ पर विश्वास करती थी कि मेरा पति तो सबसे बढ़िया है, लेकिन वो इतना घटिया इंसान है। क्या घटिया घटिया? हाँ कर रहा था। किस बता क्या करेगी? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बोल अब क्या करेगी, बोल। दिमाग सही है तुम्हारे? तुम शादीशुदा हो और हमारे एक छोटा बच्चा भी, और तुम क्या बकवास करने जा रहे हो? ये गर्लफ्रेंड वगैरह? हाँ शादीशुदा थे, अब ना मैं तेरे से और रिश्ता नहीं निभाना चाहता, क्योंकि मेरा ना तेरे से अब मन भर गया है। मैं तुझसे छुटकारा चाहता हूँ, और मैं ना अपनी इस गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ। इस घर में ना अब तेरी जगह नहीं है, इस घर में अब इसकी जगह है। अब तूने सब कुछ देख ही लिया ना, मैं तुझे खुद ही सच बताने वाला था, अब तेरे सामने खुद ही सच आ गया है। तो फिर अब तू देख ले, मुझे डिवोर्स दे दे और मुझे छुटकारा दे। इतनी इजीली तुमने बोल दिया ना कि मुझे डिवोर्स दे दे और छुटकारा दे दे। मैं डिवोर्स ही चाहिए ना? ठीक है, तो अब तुम्हें डिवोर्स ही मिलेगा। हमारे घर वालों को भी बताऊंगी कि तुम कितने घिनौने इंसान हो। हाँ जिसको बताना ना उसको बता दियो, मेरे को डिवोर्स दे दे, और अगर तुझे डिवोर्स नहीं देना ना तो मैं उसमें भी राजी हूँ, मैं तुम दोनों के साथ भी रह लूंगा। बाहर में गए तुम, मैं नहीं रहने वाली इसके साथ में, तुम ही रहो। डिवोर्स फाइल करूंगी मैं तुम्हारे अगेंस्ट, नाउ यू वेट एंड वॉच। अरे डिवोर्स फाइल करने की जरूरत नहीं है, मैं डिवोर्स ऑलरेडी फाइल कर चुका हूँ। पहले से डिवोर्स फाइल कर चुके हो? मतलब तुम पूरा प्लान करके बैठे थे? प्लान नहीं, ये कोई प्लान नहीं है, मैं इनसे प्यार करता हूँ। ठीक है, खूब करो, मैं जा रही हूँ। अरे रुकी मैम साहब, अभी क्या कर रही है? ये कोई लड़की लड़की नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारे सामने अभी बोला कि वो मेरे साथ नहीं, इस लड़की के साथ रहना चाहते, और ये लड़की नहीं है तो कौन है? ए रामू, हमारे फैमिली के मैटर मत पढ़, चल अंदर जा। साहब मैं आपके फैमिली मैटर में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैम साहब को कोई दुख ना हो और आप कोई गलत कदम ना उठा लो गलती से। तुम कहना क्या चाहते हो, क्लियर करके बोलो। ठीक है मैम साहब, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ये कोई लड़की नहीं है, ये एक साक्षात लड़का ही है, इसको घुमाओ जरा। दे, अरे देख सुन, फालतू की बात मत कर। फालतू की बात? मैम साहब मैं इसको घुमा कर आता हूँ, आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। देखो, अरे ये तो विवेक है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, और ये यहाँ पर ये लड़की बनके क्यों खड़ा हुआ है? तुम दोनों कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना? अरे मेघा हम ना कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अब तेरे सामने सच्चाई आई गई है ना, तो मैं पूरी सच्चाई तुझे बता ही देता हूँ। मुझे ना ब्लड कैंसर है, और अब ना मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा महीने या दो महीने। मुझे डॉक्टर ने ना अल्टीमेटम सुना दिया है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम महीने या दो महीने के मेहमान हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद विधवा उनके घूमती रहे, इसलिए मैंने ये सब किया जिससे कि तुझे मैं गलत लगूं और तू मेरी जिंदगी से चली जाए। तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी है, इतने बुरे वक्त में तुम मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो, तुमने मतलब मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। मेगा बात अपना समझने की नहीं है, बात ये है कि मैं तेरी आगे की लाइफ खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि मैं अब ठीक नहीं हो सकता हूँ। किसने बोला ठीक नहीं हो सकते हो? तुम्हें पता नहीं है क्या दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, और आज के टाइम में हर एक बीमारी का इलाज है।
हम वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएंगे। इस तरीके की हरकत करने की ना तुम्हें कुछ जरूरत नहीं थी। तुम मुझसे आगे बैठ के बात करते। और विवेक तुम मुझे क्या विश्वास करती थी? मैं छोटा भाई समझती थी मैं तुमको, और तुमने आकर मुझे एक बार भी नहीं बताया, और उल्टा तुम अपने दोस्त को उसके बुरे वक्त में उसकी पत्नी से अलग करवाने चल दिए। शेम ऑन यू गाइस। अरे भाभी ऐसा कुछ नहीं है, अरे मैं आपको बताना चाहता था, वो तो प्रिंस भाई ने मना किया मुझको। तुमने अपनी अच्छी दोस्ती निभाई। अच्छा तुमने मेरे को ये सबक भी सिखाया कि अपना भाई ना सिर्फ अपना ही होता है, जिससे खून का रिश्ता होता है। प्रिंस तुम अंदर चलो, हम लोग अभी डॉक्टर के पास चलते हैं।